Hello dear students, in our previous class we have read present tense. Present के शुरुआत के तीन tense हैं जो passive में change होते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा है. And today we are going to read about past tense. First three of past tense we can change into passive voice, उनके बारे में अपन देखते हैं. Past tense, वही तीन past के change होते हैं, शुरुआत के तीन tense. तो इनमें भी इधर लिखो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. फर्स्ट देखिए इनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट या तो मिलेगा आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये पैसिव में किस में चेंज हो जाता है? वॉज, वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में. पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है. वही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हुआ था इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये चेंज हो जाएगा वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म. बाकी जो रूल्स अपने सब्जेक्ट चेंज इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इंटू सब्जेक्ट, वो सेम रहेंगे. इनका अगला देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस वॉज और वर. क्या स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए आपको एक्टिव में? वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. यदि एक्टिव में ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर मिल रही है आपको वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो देखिए ये चेंज होगा वॉज वर. हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लूरल हुआ तो वर और सिंगुलर के साथ वॉज. उसके बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म वही सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली स्ट्रक्चर है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. पैसिव में अपन ने चेंज किया था इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म में, तो वही इसमें वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. नंबर थ्री है इसका पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वो पास्ट परफेक्ट हैड. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. इस टेंस में यदि आपको पैसिव में सेंटेंस चेंज करना है तो थोड़ा और ईजी हो जाता है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है वहाँ पे. इसको पैसिव में चेंज लेके जाते हैं अपन तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हैज है वो बीन थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ था, ऐसे ये हैड बीन थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है. एट टेंस चेंज होते हैं फर्स्ट थ्री ऑफ उसके फर्स्ट थ्री ऑफ प्रेजेंट, फर्स्ट थ्री ऑफ पास्ट, नंबर वन और नंबर थ्री फ्यूचर का चेंज हो जाता है. वो भी अपन साथ ही ले लेते हैं. देखो फ्यूचर का नंबर वन चेंज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल, विल, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है. ये पैसिव में चेंज हो जाता है शैल बी, विल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में. उसके बाद फ्यूचर का नंबर थ्री चेंज होता है फर्स्ट और नंबर थ्री. नंबर थ्री है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी, जो ऑलरेडी किस में है? पैसिव फॉर्म में है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव. ये पैसिव में चेंज होगी शैल हैव बीन, विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी. ओनली एट टेंस वी कैन चेंज इन टू पैसिव वॉइस, और उन एट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि कौन सा टेंस कौन से में चेंज होने वाला है. प्रेजेंट के शुरुआत के तीन चेंज होते हैं, शुरुआत के तीन पास्ट के चेंज होते हैं, नंबर वन और नंबर थ्री फ्यूचर का चेंज होता है. इनके बाद देखिए एक और स्ट्रक्चर है मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
यदि एक्टिव के सेंटेंस में मॉडल प्लस सस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वो पैसिव में चेंज हो जाती है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही किल्ड ए बैट, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसमें कैसे पता चला? देखो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव उनमें यूज की जाती है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है यहाँ पे। और अभी आपने चार्ट में देखा पास्ट इंडेफिनेट पैसिव में चेंज हो जाता है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज हो जाता है? ये वॉज, वेर और थर्ड फॉर्म में। बाकी रूल्स हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इन टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इन टू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, वी यूज बाई प्रीपोजिशन, और प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन सब्जेक्टिव से अपने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए बैट। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आपको व्हाट और हुज का रिस्पॉन्स निकालना है। हिंदी में अपन देखें तो क्या और किसको का जो जवाब आपको मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बैट, ए बैट। अब ये सिंगुलर है तो वॉज और वर्ब में से अपन यूज करेंगे वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई प्रीपोजिशन। अब ये ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, थर्ड पर्सन है ही और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ही, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस चेंज इन टू ऑब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा और अपने ऑब्जेक्टिव केस हिम में चेंज हो जाएगा, बाई हिम। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का यदि आपको एग्जाम्पल पूछा जाए ऐसे तो वो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लें अपन, सी वॉज, सी वॉज राइटिंग ए लेटर। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है। देखो पहले इसका टेंस आइडेंटिफाई कीजिए, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव में कौन से में चेंज होता है, अभी आपने चार्ट में देखा था वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब कौन सी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, वॉज वर प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, बाई प्रीपोजिशन यूज की जाएगी। कुछ कंडीशंस में या कुछ वर्ब्स के साथ अपन बाई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, वो अपन अपनी आगे की क्लास में पढ़ेंगे कुछ रूल्स में। तो यहाँ पे देखिए, सी वॉज राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी चेंज करके देखो, वह एक पत्र लिख रही थी। क्या लिख रही थी, एक पत्र। व्हाट वॉज बीइंग रिटन बाई हर, तो ए लेटर। ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हाट और हुज का रिस्पॉन्स सही है, क्या लिख रही थी, ए लेटर, तो इसको आप सब्जेक्ट बना लो। अब अपन टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के लिए प्लूरल। ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए अपन वॉज यूज करेंगे। ए लेटर वॉज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, रिटर्न बाई ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, तो बाई हर। आपको जो सिक्स रूल्स बताए पैसिव में चेंज करने के, वो आपको यदि ध्यान में है, और टेंस चार्ट आपको बताया वो ध्यान में है, और प्रोनाउन चार्ट, इजी वे में आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू हैड प्लेड ए क्रिकेट मैच, यू हैड प्लेड ए क्रिकेट मैच, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव में पास्ट परफेक्ट चेंज होता हैड बीन थर्ड फॉर्म। बाकी रूल्स वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करने वाले। तो यू हैड प्लेड ए क्रिकेट मैच, आप एक क्रिकेट मैच खेल चुके थे। क्या खेल चुके थे, ए क्रिकेट मैच।
इट मीन्स क्या का जो जवाब मिल रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप बना लो सब्जेक्ट। ए क्रिकेट मैच, ए क्रिकेट मैच। अब हैड ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, विथ प्लूरल और विथ सिंगुलर दोनों के साथ अपन यूज करते हैं, तो ए क्रिकेट मैच हैड बीन प्लेड बाई, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू, यू ही होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू, बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं, तो बाई यू। ओके, अब आपने देखा टेंस में जितने भी चेंज होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर का कोई एग्जांपल लें या मॉडल का कोई एग्जांपल लें, जैसे देखिए मॉडल का अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है, क्या बोल सकती है, इंग्लिश। क्या का जो जवाब आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ये मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, ये मॉडल है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। अभी आपको लिखाया था एक्टिव में यदि मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो वो पैसिव में मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो, क्या बना लो, सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश मॉडल आएगी, कैन बी स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हर, ये पैसिव में चेंज हो जाएगी। और कोई एग्जांपल देखें अपन, आई विल किल यू, ये भी तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा यू विल बी किल्ड बाई मी। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, उसको इजी वे में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं आप। ओके, अब जो आगे के रूल्स हैं अपने, ये तो थे कॉमन रूल्स जिनको आप पैसिव चेंज करने के लिए काम में लेते हैं। टेंस चार्ट था, टेंस इंटरचेंज कैसे होते हैं, प्रोनाउन चेंज के बारे में पढ़ा है, कुछ और रूल्स है वो इसमें, उनके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।